Looking different. हमारे सामने कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जो यकीन से परे होती हैं, जिसका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाता है। इंदौर राजस्थान के बीकानेर में एक पुनर्जन्म की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक 3 साल की बच्ची फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है। दरअसल बेंगलोर में जन्मी 3 साल की क्रेशा लोहिया बीकानेर के सेंथल गाँव में पली बड़ी है, लेकिन एक दिन क्रेशा 3 साल की उम्र में ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगी तो घरवाले चौंके। पहले तो घरवाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में बच्ची ने पुनर्जन्म की कहानी सुनाई तो वह लोग हैरान रह गए। दरअसल क्रेशा लोहिया का जन्म 12 जुलाई 2018 को बेंगलोर में हुआ था। परिवार का कहना है कि क्रेशा की बताएं बातें कितनी सच हैं यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन घरवाले मन बना चुके हैं कि अगर बच्ची ने कहा तो उसे अमेरिका ले जाएंगे, जबकि परिवार का अमेरिका से कोई दूर दूर तक का भी नाता नहीं है। उनके पास ना ही तो वीजा है और ना ही कोई पासपोर्ट। क्रेशा की माँ ने बताया कि उनकी 3 साल की बेटी एक दिन अचानक अंग्रेजी बोलने लगी। ऐसे में उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि परिवार का तो दूर दूर तक इंग्लिश से कोई नाता नहीं था। इसके अलावा घर वाले टीवी शो में भी हिंदी वाले देखते थे, तो क्रेशा का अंग्रेजी बोलना हैरान करने वाला था। परिवार क्रेशा को लेकर डॉक्टर के पास भी गया। धीरे धीरे क्रेशा की बातें स्पष्ट हुई। रोज क्रेशा नई नई बातें बताती है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में वहां मौजूद रही हो। जिस जगह का वो उल्लेख करती है हम भी उन जगह को नहीं जानते। बेटी क्रेशा की बातों को परिवार के लोग सुन लेते हैं और हाँ में हाँ मिलाकर ज्यादा गौर नहीं करते ताकि उसकी भावना आहत न हो। बच्ची क्रेशा ने बताया कि वो कैलिफोर्निया में रहने वाली सरीसा है और वहाँ पर वह योग टीचर थी। बेटी क्रेशा अपने आप को किसी चर्च और उसमें रहने वाली अपनी टीचर नन का भी जिक्र करती हुई दिखाई देती है। परिवार के लोग बताते हैं कि क्रेशा कभी अपने दोस्तों और पालतू जानवरों का भी जिक्र करती रहती है। जब हमें उसे यहाँ बीकानेर की रहने वाली बताते हैं तो वह मानती नहीं है और अपने आप को अमेरिका की बताती है। क्रेशा की माँ सुनीता ने आगे बताया कि बेटी जब से बोलने लगी तब से थोड़े बहुत इंग्लिश के शब्द बोलती थी तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन इंग्लिश में बातें करना और माता पिता को इंग्लिश में बुलाना अजीब से लगा। आसपास के लोगों को दिखाया तो इंग्लिश भी सामान्य नहीं अमेरिकन इंग्लिश बोलना सामने आया। क्रेशा सामान्य जीवन में चलने वाले दाल रोटी को नहीं खाती, वह इडली ब्रेड सहित विदेशी कल्चर का खाना खाती है और हिंदी चैनल देखने की बजाय इंग्लिश चैनल देखती है। गाना हो या अन्य संगीत सभी इंग्लिश में ही सुनती है। इस पुनर्जन्म की कहानी से क्षेत्र के लोग हैरान हैं। पूरे बीकानेर में क्रेशा के पुनर्जन्म की कहानी इन दिनों चर्चाओं का विषय बन चुकी है।